हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई रंजीत कुमार, और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है और यहां पे YouTube चैनल बना करके आप कैसे उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और वीडियो अपलोड करने के बाद आप किस तरह से डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भर सकते हैं, किस तरह से टैग्स लगा सकते हैं, और कैसे अपने चैनल पे लोगो डाल सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से मेरे चैनल पे हैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए आज सीखते हैं कि YouTube पे चैनल कैसे बनाया जाता है। तो YouTube पे चैनल बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है आपके पास एक ईमेल अकाउंट, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक जीमेल अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि YouTube क्रिएटर बनने के लिए, YouTube पे चैनल बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप YouTube पे चैनल नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप एक ही जीमेल आईडी बना लीजिए, उसके बाद आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप चैनल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप डिस्क्रिप्शन भर सकते हैं, कैसे आप लोगो लगा सकते हैं, और कैसे आप अपने चैनल का नाम रख सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो शुरुआत में सबसे पहले इसी की ज़रूरत होती है। ये इतना कुछ आपने अगर सीख लिया तो आप वीडियोस अपलोड करना सीख जाएंगे और उसके बाद आपका चैनल रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आगे आपको और भी बहुत सारे ट्रिक्स बतलाऊंगा दोस्तों, कि कैसे चैनल को बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसमें वो सब चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप चैनल पर सब्सक्राइबर ला पाएंगे, व्यूज़ ला पाएंगे, और भी बहुत कुछ बतलाऊंगा दोस्तों। आपको सारा इन्फॉर्मेशन मेरे से मिलता रहेगा, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप YouTube पे चैनल बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं YouTube पे चैनल कैसे बना। आइए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे YouTube चैनल क्रिएट करते हैं। तो ये है मेरे मोबाइल का इंटरफेस दोस्तों, जो आपके सामने में दिख रहा है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम देखिए दोस्तों, यहाँ पे गूगल क्रोम को मैंने खोल लिया। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे गूगल सर्च में जा कर के YouTube.com डालना है दोस्तों। YouTube.com जैसे ही डाल करके आप गो करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आप दोस्तों सबसे कॉर्नर में यहाँ पे जाएंगे, कोने में। मैं आपको देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा चैनल का नाम दिख रहा है। आप इस जगह को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक गोल जैसा रहेगा, लेकिन उसमें आपका सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा। आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको मेरा चैनल का नाम दिख रहा है, और भी मेरे चैनल्स हैं यहाँ पे, आप सारा डिटेल्स देख रहे हैं दोस्तों। आपको ये कॉर्नर में ये सेटिंग्स वाले बटन पर जाना है। जैसे ही आप इस सेटिंग्स बटन को खोलेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है इस जगह पे। हाँ, यहाँ पे देखना है सी माय चैनल्स और क्रिएट ए न्यू चैनल। तो आपको यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है, सी माय चैनल्स और क्रिएट ए न्यू चैनल पे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट ए न्यू चैनल का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप ब्रांड नेम डाल सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको नाम डालना है। जैसे आप अगर टेक का चैनल बनाना चाहते हैं तो टेक, या जो भी नाम डालना चाहते हैं, कॉमेडी का चैनल बनाना चाहते हैं तो रंजीत कॉमेडी, या फिर कुछ भी आप नाम रख सकते हैं जो आपको इच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे आप नाम भर दें, इस यहाँ पे लिंक में देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमेडी चैनल मैंने लिख रखा है पहले से। मैं आपको दिखाता हूँ नाम डाल करके, जैसे ही क्रिएट करेंगे तो इस तरह का आपको एक कॉमेडी चैनल का एक क्रिएट चैनल दिखेगा आपको। उसको आप क्या करेंगे दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है।
उसके बाद क्लिक करने के बाद आप ओके पे जाएंगे। वर्किंग हो रहा है दोस्तों, काम हो रहा है। जैसे ही ये खुल जाएगा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ गया ये सी बन करके, क्योंकि मैंने सी से नाम रखा है इसलिए यहाँ पे लोगों में सी दिख रहा है। मैं बाद में आपको बताऊंगा लोगों कैसे चेंज करना है। इसमें आप डाल सकते हैं एडिट ऑन गूगल, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको यूट्यूब से, अपने ईमेल एड्रेस को यूट्यूब से कनेक्ट करना होता है दोस्तों। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मांग लिया जाएगा, अगर आपका यूट्यूब आपका पहले से अगर है ईमेल आईडी तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे आने के बाद आप देखिए ये इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे जहाँ पे सी लिखा हुआ लोगो का जगह है, इस पर आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोटो पिक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने फाइल्स के अंदर या जहाँ भी रखें, जैसे मैंने अपने फाइल्स के अंदर में लोगोज़ वगैरह रखे हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ फाइल को, ठीक है। जैसे ही मैंने फ़ाइल को क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। यहाँ देख रहे हैं आप नीचे में रेड कलर के फ़ोटो वाले ऑप्शन को मैसेज जैसे सेलेक्ट किया, अब मेरा लोगो पिक्चर के अंदर में है दोस्तों। तो ये लोगो वाले ऑप्शन में गया और यहाँ से मैं कोई भी एक लोगो को पिक कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने अभी सपोज कीजिए एक लोगो ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ, ये ग्रीन वाला जिसमें मेरा एक फ़ोटो लगा हुआ है और मल्टी टैग एंड फनी वीडियोज़ लिखा हुआ है, जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो ऐसे लेने से क्या है, यहाँ पे आप इस तरीके से लोगो भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए वो लोगो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको ये स्क्रीन कैसा रखना है, आप इसको थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कट रहा है एक साइड से, ठीक है। हाँ ये अब परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कोने में कॉर्नर पे डन डन का ऑप्शन है, इसको मैंने डन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरे चैनल का नाम भी आ गया दोस्तों और लोगो भी आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरह से आपका चैनल क्रिएट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप बैक जाएंगे, ठीक है, और ये कॉर्नर पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखने लग गया दोस्तों, पहले मेरा कुछ और लोगो था, अब यहाँ पे कुछ और आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा जैसे ही, तो अभी अभी जो मैंने चैनल बनाया है देखिए दोस्तों, कॉमेडी चैनल आ गया ना दोस्तों, ये 0 सब्सक्राइबर दिखा रहा है क्रिएटर। अब ये क्रिएटर स्टूडियो में आना है दोस्तों। क्रिएटर स्टूडियो में जैसे ही आएंगे, इसको खोलेंगे, अब देखिए ये इस तरह का कुछ इंटरफेस अंदर में दिखेगा दोस्तों आपको। आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच टाइम 0 है, व्यूज 0 है, सब्सक्राइबर 0 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ सब कुछ 0 है दोस्तों। एनालिसिस 18 डेज, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने जो लोगो डाला था वो आ गया दोस्तों और ये नाम भी आ गया दोस्तों, यानी कि मेरा चैनल बन गया दोस्तों। ये डैशबोर्ड हो गया, वीडियो मैनेजर हो गया, लाइव स्ट्रीम हो गया, कम्युनिटी हो गया, चैनल हो गया, एनालिसिस, ये सब चीज़ों के विषय मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं दोस्तों। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में दोस्तों आपके लोगों के बगल में बेल आइकन का एक ऑप्शन दिया हुआ और उसके बगल में अपलोड का, आप अपलोड को क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड को क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, आप यहाँ से अपने वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप एरो जो बना हुआ अप साइड दिख रहा है एरो दोस्तों, ये एरो को, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपका वीडियोस जहाँ पे भी है आपके मोबाइल में, आप फाइल्स के अंदर में फाइल में चले जाइए, फाइल में मैं चला गया और मेरा वीडियो यहाँ पे दोस्तों वीडियोस के अंदर जहाँ पे मेरा वीडियो है मैं वीडियोज़ पर आ गया। अब देखिए दोस्तों मैं अपने वीडियोज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा मेरा वीडियो, मैं अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ उदाहरण के तौर पे दिखाने के लिए। देखिए मैंने अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो वीडियो अब यहाँ पे अपलोड हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप, प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो वाले पे आप देख रहे हैं स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है, प्रोसेसिंग 90% हो गया दोस्तों, ठीक है, और ये पब्लिश करने के लिए तैयार है।
तो अभी क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बतलाया था कि मैं आपको बतलाऊंगा कि आप वीडियोस का टाइटल कैसे बदल सकते हैं, और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के नीचे टाइटल, टाइटल में आप जैसे लाइक एंड शेयर कुछ भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी LIKE लाइक एंड SHARE शेयर वीडियो, ये जैसे मैंने डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड क्लिक ऑन बेल फॉर मोर वीडियोस, ये लिख दिया दोस्तों। टाइटल पे मैंने लिख दिया, जो भी टाइटल ऐसा लिखना है दोस्तों जो कि लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन में, ठीक है, ताकि आपका वीडियो वहाँ पे आसानी से दिख सके। तो यहाँ पे आप सर्च में आप, मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, सब कुछ कीजिए शेयर SHARE शेयर VIDEO, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये दोस्तों यहाँ पे तीन थंबनेल दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी आप शुरुआत में थंबनेल जो भी आपको कंपनी से मिलेगा, यूट्यूब से मिलेगा, वही आपको लगाना पड़ेगा। ये सारा डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों आप यहाँ प्रोसेस में जाकर के जाके पब्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं पब्लिक करूँगा दोस्तों, ये वीडियो मेरा पब्लिश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो आपका चलने के लिए भी तैयार हो गया। अब जैसे ही मैं उसको क्लिक करूँगा, क्लिक किया, अब ये देखिए यूट्यूब पर खुल गया है। अब ये चलने के लिए यहाँ पे जैसे लाइक एंड शेयर वीडियोस का मैंने एक डाला था वो आ गया यहाँ पे, और ये वीडियो चल रहा है। बस ठीक इसी तरीके से आप भी अपने वीडियोस को, ठीक इसी तरीके से आप भी चैनल बना सकते हैं, ब्रांड नेम लिख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से आपका चैनल, अब दोस्तों आपका चैनल तैयार हो गया। बस इतना ही काम रहता है दोस्तों, आप इसको बैक कर लीजिए, ये पेज को लीव कर दीजिए, लीव हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आप जब भी फिर से कोई भी वीडियो डालेंगे दोस्तों, तो आपको फिर से इसी कॉर्नर में गूगल क्रोम में जाना है, और कॉर्नर में आना है और अपने चैनल को ऐसे जैसे देख रहे हैं आपने, देखा खुल गया कॉमेडी, ये मैंने खोल लिया फिर से क्रिएटर स्टूडियो पे जाके, ठीक है। जैसे ही खुल गया, आप देखिए दोस्तों पहले कोई भी वीडियो नहीं था, मेरा चैनल का नाम दिखा रहा है, मेरा लोगो दिखा रहा है, और मेरा एक वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ पे व्यू में देखिए, यहाँ पे लिख रहा है व्यू ऑल, यानी कि एक वीडियो यहाँ पे आ गया दोस्तों। अभी मेरे चैनल पे कोई व्यूज़ नहीं है, कोई लाइक नहीं है, कोई शेयर नहीं है दोस्तों, ये पहला वीडियो है और ये इस तरीके से तैयार हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके से आप चैनल बना सकते हैं दोस्तों, और आप वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। फिर मैं आगे आपको और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों तो आपने देखा कि YouTube चैनल कैसे बनता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनता है। और दोस्तों ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है इनकम करने का, अगर आप इसमें ईमानदारी से 2-3 महीने ढंग से काम कर देते हैं, वर्क कर लेते हैं, यानी कि निरंतर आप एक वीडियोस कम से कम एक वीडियोस रोज़ डालते हैं, या सप्ताह में 3 भी वीडियोस डालते हैं निरंतर, लेकिन डालना है आपको ज़रूर है दोस्तों, तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा और आपके चैनल पर व्यूअर्स आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि 1-2 महीने के अंदर में आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, और इससे YouTube आपके चैनल पे एडवर्टाइजमेंट कराएगा और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। दोस्तों मैं समझता हूँ अगर आप ढंग के वीडियोस अगर बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है और लोग आपके चैनल को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो 3 महीने से 6 महीने के भीतर में आप एक अच्छे हैंडसम सैलरी तक पहुंच जाएंगे, जो होगा दोस्तों कम से कम 50 से 60 हज़ार का। 6 महीने के अंदर आप 60 से 70 हज़ार रुपये महीने का YouTube से आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।